नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? अयुब ठीक ही होंगे, भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे मस्त रखे। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नीरा लोन ऐप के बारे में। आपने नीरा लोन ऐप के बारे में कहीं ना कहीं जरूर देखा सुना होगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह दोस्तों इनकी एड्स जो है वो आती है। और अगर आप लोग भी नीरा लोन ऐप से लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, वरना आप लोग भी जो है मुश्किल में पड़ सकते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने नीरा लोन ऐप से यहाँ पर 13,500 रुपए का लोन लिया था और दोस्तों यहाँ पर 3 EMI इस लोन की यहाँ पर उन्होंने करवाई थी। अब दोस्तों यहाँ पर वो लोन लेने के बाद फंस चुके हैं, प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं और यहाँ पर उनको दोस्तों एक्स्ट्रा चार्जेस पहले ही बाहर में ही एक्स्ट्रा चार्जेस नीरा लोन ऐप वालों ने लगा दिए। तो क्या दोस्तों कैसे फंसे पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा और इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों से पहले बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर ने जो नीरा लोन ऐप से लोन लिया था वो था 13,500 रुपए का, EMI 4773 रुपए की और EMI टेनर जो था दोस्तों 3 मंथ का था। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर ने जो इनकी ड्यू डेट थी उससे 2 दिन पहले अपने पहली दोस्तों जो इनकी EMI आई थी उस EMI को और अपने आप ही खुद यहाँ पर पे कर दिया। आप लोग देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल फॉर नीरा फाइनेंस, नीरा फाइनेंस 4773 रुपए। 3 नवंबर 2023, 5 नवंबर को ऑटो डेबिट था लेकिन 3 नवंबर को इन्होंने अपने आप ऑटोमेटिकली पेमेंट जो है कर दी। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहां पर नीरा की ऐप के अंदर जो इन्होंने अमाउंट पे किया था वो यहां पर सेटल ही नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, इनको मतलब पेमेंट इनके अकाउंट से कट गई है, ऐप के थ्रू जो लिंक आता है वहां से इन्होंने पेमेंट करी है और ऐप के अंदर दोस्तों यहां पर अमाउंट जो है वो सेटल नहीं हुआ। सेटल नहीं हुआ तो दोस्तों इन्होंने यहां पर नीरा के दोस्तों जो एजेंट होते हैं उनको कॉल करने का ट्राई करा, कॉल नहीं हो पाई। इन्होंने दोस्तों तुरंत ही ईमेल कर दिया कि मैंने ऐसे ऐसे EMI पे कर दी है, स्क्रीनशॉट्स भी यहां पर उनको दोस्तों भेज दिए। तो आप लोग देख सकते हैं नीरा वालों को इनका ईमेल भी आया, डेयर शुभम गर्ग, का नाम शुभम गर्ग है, वी वुड लाइक एक्नोलेज दैट वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट एंड टिकट। इन्होंने टिकट दोस्तों क्रिएट कर दी है। तो यहां पर ईमेल करने के बाद भी उनको दोस्तों कोई भी अमाउंट दोस्तों इनके ऐप में सेटल जो है वो नहीं किया गया है अभी तक भी। और इनको दोस्तों यहां पर लेट पेमेंट चार्जेस भी दोस्तों लगा दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं योर EMI इज ओवर ड्यू बाय 1 days, पे योर EMI ऑन टाइम टू अवॉइड लेट पेमेंट चार्जेस एंड इम्पैक्टिंग योर क्रेडिट स्कोर। और नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नवंबर 5 को दिखा रहा है 4773 रुपए, ओवर ड्यू बाय 1 day, लेट पेमेंट 6 रुपए यहाँ पर इनको लग चुकी है। यानी कि इन्होंने ऑलरेडी पेमेंट दोस्तों यहाँ पर कर दी, पेमेंट करने के बाद भी दोस्तों इनकी सेटलमेंट नहीं हुई है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों कॉल करी, कॉल पे कोई रिप्लाई नहीं आया, व्हाट्सएप करा, व्हाट्सएप नंबर भी इन लोगों का, वहां भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ईमेल कर दिया, ईमेल करने के बाद इन लोगों ने बस एक टिकट ID क्रिएट कर दी है लेकिन कुछ भी दोस्तों फर्दर जो स्टेप्स वगैरह थे वो नहीं लिए हैं और इनको यहाँ पर लेट पेमेंट चार्जेस लगा दिए। अब लेट पेमेंट चार्जेस उसको लगा दिए कोई बात नहीं, 5-6 रुपए लगाए हैं और आगे जाकर बढ़ जाएंगे, हालांकि वो भी गलत बात है। लेकिन दोस्तों सिबिल स्कोर जो है वो इम्पैक्ट होगा, सिबिल स्कोर यहाँ पर खराब हो जाएगा। जबकि दोस्तों मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ईमेल कर दिया, स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, उसके बाद भी नीरा वालों ने यहाँ पर इनका दोस्तों जो इनकी ऐप है उसके अंदर इनका जो अमाउंट था उसको सेटल अब तक क्यों नहीं करा है। अब यहाँ पर इन्होंने दोस्तों कंज्यूमर फोरम में भी यहाँ पर कंप्लेंट डाल दी है, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, अगर आप लोग भी नीरा लोन से उस यहाँ पर नीरा ऐप से लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार दोस्तों सोचिएगा माइंड में कि जैसा इनके साथ हुआ है अगर आपके साथ हो तो आपके साथ हो दोस्तों कैसा लगेगा। तो बता दूं कि यहाँ पर ऑटो डेबिट इन्होंने 5 नवंबर को लग रखा था, इन्होंने 2 दिन पहले ही पेमेंट कर दी थी। तो जो कोशिश कीजिए कि पहले पेमेंट मत कीजिए, ऑटो डेबिट अगर लग रखा है तो ऑटो डेबिट के टाइम पे पैसे अपने आप कट जाने दीजिए, उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने खुद पे कर दिया तो वो भी सेटल जो है वो हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों की दोस्तों नॉलेज के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी NBFC दोस्तों जो ऐप होती है कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। इन्होंने मैं कहूँगा बहुत बार कस्टमर केयर पे कॉल भी कर लिया, व्हाट्सएप दोस्तों व्हाट्सएप पे चैट सपोर्ट दे रखा है, व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ईमेल कर दिया, ईमेल
अपील करने के बाद भी अमाउंट सेटल नहीं किया जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों बता दूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड के लिंक मिल जाएंगे, जहां से बहुत सारे लोगों को इंस्टेंट अप्रूवल मिल भी चुके हैं। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।